और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली आज जाएंगे, कल होने वाली बैठक में वो शामिल होंगे। सभी राज्यों के पीसीसी चीफ और मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में आयोजित है ये बैठक। छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसमें शामिल होंगे। दंतेवाड़ा उपचुनाव की वजह से पीसीसी चीफ मोहन मरकाम नहीं जाएंगे दिल्ली। तय कार्यक्रम के अनुसार सीएम रात लगभग 8:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो हेमंत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत, आज दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, तमाम मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ इस बैठक में शामिल होने वाले हैं, क्या और अपडेट? देखिए, 12 सितंबर यानी कल दिल्ली में कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने बैठक बुलाई है। इस बैठक में जो तमाम राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री हैं, उनको बैठक में बुलाया गया है। और इस बैठक में शामिल होने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करीब 8:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली पहुँचने के बाद छत्तीसगढ़ सदन में वो रात्रि विश्राम करेंगे। उसके बाद अगले दिन यानी कल जिस तरीके से सोनिया गांधी ने यहाँ पर बैठक बुलाई है दिल्ली में, उसमें वो शामिल होंगे। जिस तरीके से जो हालात अभी भारत में बने हैं, देश में बने हैं, जिस तरीके से चंद्रयान 2 को लेकर हो, चाहे धारा 370 को लेकर हो, ये पहली बड़ी बैठक कांग्रेस की है। तो ये तमाम राजनीतिक हालातों को लेकर उस बैठक में चर्चा होगी। इसके अलावा अभी छत्तीसगढ़ में बात की जाए तो इस साल के अंत में या जनवरी 2019 में नगरीय निकाय का चुनाव प्रदेश में होना है। तो ऐसे में यहाँ क्या हालात अभी हैं छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस के पक्ष में यह झुकाव है या भाजपा के पक्ष में झुकाव नजर आ रहा है, तमाम राजनीतिक जो हालात हैं उसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां कांग्रेस की जो अध्यक्षा है सोनिया गांधी उनको सौंपते नजर आएंगे। और इसके अलावा सदस्यता अभियान की मैंने पहले ही बात कही थी कि सदस्यता अभियान की वहां पर रिव्यू की जाएगी। तो ये तमाम मुद्दे उस बैठक में शामिल होंगे। और दो उपचुनाव, अभी एक उपचुनाव दंतेवाड़ा का होने वाला है 23 तारीख को, और इसके बाद जो चित्रकूट उसके भी उपचुनाव की घोषणा होगी। हालांकि बस्तर दशहरा होने के कारण उसका ऐलान नहीं किया गया था, लेकिन नगरीय निकाय के पहले पहले उस विधानसभा भी की भी जो उपचुनाव है वो होगा। तो किस तरीके से राजनीतिक हालात छत्तीसगढ़ में है, क्या जनता किसके पक्ष में नजर आ रही है, तमाम चीजों को लेकर वहां पर भूपेश बघेल कांग्रेस की जो अध्यक्षा है सोनिया गांधी उनको एक तरीके से इस सारी चीजों से अवगत कराते नजर आएंगे। वापस आएंगे आपके पास बने।